लड़के को पहले काम धंधे से लग जाने दो, कचहरी के काम सीखेगा, हमारे साथ बैठेगा तो कानूनी दाव पेच सीख लेगा। आज तक कभी बैठा है आपके पास जॉब बैठेगा? बोला तो है अब से बैठेगा। आज तो किसी क्लाइंट से भी मिला, ब्रिजभूषण माथुर, ये नाम सुना सुना सा लगता है, तुम जानती हो ना? जी, आपके क्लाइंट्स को हम कैसे जानेंगे जी? माथुर? कौन माथुर? अपने छोटे बाबू की बात कर रहे हैं बाबूजी? कुलभूषण माथुर। कुलभूषण नहीं, ब्रिजभूषण। अच्छा, तो उनके बड़े भाई साहब होंगे, परसों ही तो आए ट्रांसफर लेकर यहाँ। और जो रसगुल्ले बोले थे वो भी आ गए हैं। सब आ गए हैं? जी हाँ। दीदी, ये मिठाइयों की लिस्ट चेक कर लीजिए, और हाँ, कुछ नमकीन वगैरह भी मंगवाना है। हाँ, इसमें मोतीचूर के लड्डू भी लिख दो, और वो फूलों की लड़िया मंगवाई थी, अभी तक आई नहीं। क्या भाई, यहाँ अभी तक लड़िया नहीं आई? देखता हूँ। जाओ देखो जाके। जी। फिटन, फिटन, तुम दोनों का कमरा कब तक तैयार हो जाएगा? हाँ माँ, दीदी बस कवर्स चेंज कर रही हैं। देखिए हो भी गए, और आप टेंशन मत लीजिए, दोपहर तक आपको हमारा कमरा एकदम रेडी मिलेगा। जल्दी करना। ओके। बस हो गया। हो गया? चलो ऊपर रख कर आते। That's okay. अंकुर, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होगा? पापा। हाँ। पापा, इतना शोर शराबे में पढ़ाई कैसे करें? तुम एक काम करो, छत पे जाके पढ़ लो, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। हाँ, भूख लगी। अरे सुनो, वो नाश्ता वाश्ता तैयार है या नहीं? बस हो गया। क्या हो गया? अरे अभी लगता है सब तैयार है। क्या बात है, आज तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। किसी बात की जरूरत हो तो बता देना दुल्हन। वैसे तो सब कुछ आ ही गया है, बाकी का जो सामान है रमा ने लिस्ट बना दी, हम मंगवा देंगे। अरे नहीं नहीं, लिस्ट हमें दे दीजिए, हम रास्ते में कहते हुए जाएंगे, सारा ऑर्डर घर पे आ जाएगा, हम ऑफिस पहुंच के फोन कर देंगे कि कितने बजे आएगा। क्यों? हाउ गुड। वो आपके मोबाइल फोन का क्या हुआ? वो पेपर्स दिए थे अटेस्टेशन के लिए, वो आ गए क्या? हाँ, वो तो भूल गए थे। कोई बात नहीं, वाजपेयी जी के यहाँ से लेते हुए जाएंगे। तो आप कहे तो हम जाके ले आए। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों जाते हो कुल? तुम्हारा वैसे ही मन मुटाव हो चुका है एक बार उनसे, क्या पता तुम्हें देख के यूं ही नाराज हो जाएं। हम ही जाएंगे। जो गलतफहमियां हो गई हैं हम पड़ोसियों के बीच में, टाइम आ गया है कि वो दूर हो जाएं। और फिर हम भी तो देखें कि ये टीएन वाजपेयी हैं क्या चीज कि हमारा भाई इतनी खार खाता है उनके नाम से। क्यों जी? गुड्डन गा रही है ना, उसे कहना अपना रियाज जारी रखे, तो देख सुन के अच्छे से म्यूजिक टीचर भी बुला लेंगे उसके लिए, जो घर पे आके सिखा जाए।
लो, अब ये सब भी शुरू हो गया इस मोहल्ले में। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। अरे लड़कियां इतनी जोर जोर से गाती हैं, कोई उन्हें रोकता टोकता नहीं। अरे ये क्या अच्छे घराने की लड़कियों के लक्षण हैं, जोर जोर से गाना, शोर मचाना। अरे हम कहती हैं बेटियों को गवैया बनाएंगे क्या। वैसे अम्मा एक बात तो है, लड़की गाती अच्छा है।